केंद्रीय जांच एजेंसियां अपने दायरे में रहकर काम करें, ये कहना है झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री पूर्व विधायक बंधु तिर्की का। एक दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बंधु तिर्की ने साफ कहा कि गठबंधन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का मिसयूज किया जा रहा है, लगातार उनके विधायकों पर आईटी का रेड चल रहा है और कहीं न कहीं ये प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है, लिहाजा इसे अविलंब रोकना चाहिए, नहीं तो इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसी तरह का विरोध न सिर्फ राजधानी रांची में बल्कि पूरे प्रदेश में हो रहा है। गठबंधन सरकार के जो लोग हैं वो जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि जनता के बीच इन बातों को ले जाने का गठबंधन सरकार को कितना फायदा होता है, लेकिन फिलहाल की एक बात स्पष्ट है कि झारखंड के विभिन्न जिलों में, खासकर राजधानी रांची में ईडी हो या आईटी की लगातार रेड चल रही है, जिसकी वजह से गठबंधन सरकार खुद को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रही है, लिहाजा तमाम जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने सिलसिले में और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के सरकार है यहाँ, उनके इशारे पर संवैधानिक संस्थानों को दुरुपयोग कर रही है और उनके इशारे पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जो काम कर रही है। मैं इसलिए ऐसा बात कहूँगा कि इसके पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के समय बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, चार सीटेड भी हैं, उन पर जांच क्यों नहीं, उनको सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा। अभी आपका दो, कल आपको हमारे कांग्रेस पार्टी के दो विधायकों के पास में छापा मारा गया, अच्छी बात है छापा मारा गया, तो भाई क्या संपत्ति मिला नहीं मिला ये भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सब लोग दूध के धुले हुए हैं क्या? हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी को जो सम्मान किया गया दो दिन पहले, और जांच आप छापा मरवा रहे हैं, आपका कल छापामारी हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं? समय को देखिए, किस तरह से एक प्लान के तहत इनके द्वारा किया जा रहा है, ये प्लान के तहत ही किया जा रहा है पूरा, और इसी के लिए आपने देखा होगा कि भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जो लिफाफा आया है, ये मामला पर भी राजनीतिक हुआ पूरा। कौन राजनीति किया? भारतीय जनता पार्टी किया। किसके इशारे पर किया? केंद्र सरकार के इशारे पर किया। महामहिम राजपाल दूसरे प्रदेश में जा करके जिस तरह की बात कहते हैं, असंवैधानिक बातें कहते हैं, वक्तव्य देते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना, और विशेषकर जो जो आज के दिन में गठबंधन के सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो निर्णय लिया जा रहा है, बड़े बड़े निर्णय, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, इसीलिए एन के एन प्रकरण में इन चीज़ों को लेकर सरकार को बदनाम करना चाहती है। हम जांच एजेंसी अपने दायरे में रहकर अपना काम करें, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ना काम करें, इससे लोकतंत्र को इससे बहुत बड़ा खतरा है। और जांच एजेंसी को मैं ये भी कहूँगा कि आपके द्वारा जो होता है आप उसको पब्लिक, आप मेरे साथ ही हुआ था जांच, क्यों पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ को नहीं लाया? क्या मिला आखिर? सीबीआई जांच किया, इनकम टैक्स क्या मिला? तो जब इस तरह से जब आपके पास में अगर मिलता है तो आप जांच करें ना, इसके खिलाफ हम कहा है, लेकिन आप राजनीति के तहत करें जब उसके खिलाफ में आज हम यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। प्रदेश के राजद के लोग नाराज।